पहला तो मर्डर किए थे बहुत सारा एच बच्चा लोग, बहुत जेल घूम के आए हैं, सोच करके हैं वो मेरी क्लास लगाएंगे अभी अंदर। वो अपने माथे पर सिक्का लेके घूमती हैं। अब मैं मार नहीं खाऊंगी, मैं से मारूंगी। तो बिटिया में हुई एक नई एंट्री सिक्का ठकुराइन की, और वो अभी अभी जेल से बाहर आई हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि कैसी एंट्री, किस तरह की है। सिक्का ठकुराइन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। का नाम तोरा? मेरा नाम आदित्य है और आपका इंटरव्यू लेने आए हम कि अभी अभी जेल से बाहर आई हैं आप। पहले हमारा आशीर्वाद लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए कि जेल से अभी अभी आप बाहर आ रही हैं, आगे क्या काम करने वाली? पहला तो मर्डर किए थे बहुत सारा एच बच्चा लोग, और बहुत फिरौती वगैरह काम किए थे, अच्छा काम किए थे तो जेल में डाल दिए। हम बहुत जेल घूम के आए हैं और हमको पता चला है कि एक बिलाई है कृष्णा नाम की, अफसर है वो BDO की, वो हमको थोड़ा और हमारे कुछ साथियों को थोड़ा सा परेशान कर रही है, तो हम जाके थोड़ा सा हड़का देंगे तो वैसे ही भाग जाएंगे, बिलाई है और का। अच्छा, डायलॉग था आपका, अभी हमने देखा डायलॉग में था आपका कि ये एक सबसे बड़ा आपका तीरथ है आपके लिए जेल। तो क्या इतना एक हार्ड कैरेक्टर है आपका? ना, अभी मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल हार्ड कैरेक्टर है। आप भी कैरेक्टर से बाहर हो जाओ, ये थाल पकड़ा दो। जी हाँ, हार्ड मतलब बिल्कुल ये हार्ड कोर दबंग औरत। अच्छा, कई तरह का किरदार आप कर चुकी हैं, फिल्मों में भी, सीरियल्स में भी, इस बार एक बिहारी किरदार में। कुछ अब जब किरदार करनी होती है तो क्या कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कुछ रिसर्च उसके लिए जाने पड़ते हैं आपको अभी भी? प्रिपरेशन तो यूँ हुआ कि मतलब मेरी रोज़ क्लास लगती है। अभी भी मेरे हाथ में ये स्क्रिप्ट है और हमको बता के गए हमारे आशुतोष करके हैं, वो मेरी क्लास लगाएंगे अभी अंदर। एक एक शब्द वो चुन चुन के बताते हैं। मेरे लिए ये जबान, ये भाषा बिल्कुल ही नई है। ये जो सारे हैं ये बहुत बढ़िया तरीके से बोल लेते हैं ये सारी भाषा, तो ये लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं लाइनें भूल जाती हूँ क्योंकि इट्स नॉट माई रेगुलर हिंदी, और इट्स नॉट इंग्लिश, इट्स नॉट मराठी, इट्स नॉट माई मदर टंग। ये सिक्का ठकुराइन, जब आपको नाम बताया गया कि आपका नाम सिक्का ठकुराइन रहेगा, तो क्या क्लिक हुआ दिमाग में कि ये क्या, मतलब कुछ हुआ ऐसा दिमाग में क्लिक कि सिक्का ठकुराइन? सिक्का ठकुराइन मुझे लगा था, सबसे पहले जब नाम सुना तो मुझे लगा था कि शी इज श्योर शॉट नेगेटिव, कुछ तो भी होगा। और सिक्का ठकुराइन मतलब ऐसे नाम से ही लगती है कि वो एकदम से खूबसूरत, कोई ऐसी नाजुक, ऐसी परी जैसी औरत तो होगी नहीं जिसका नाम सिक्का ठकुराइन होगा। और उन्होंने कहा कि सिक्का ठकुराइन क्यों है, क्योंकि वो अपने माथे पर सिक्का लेके घूमती है। उनका डायलॉग आएगा फिर कभी, हम माथे पर लक्ष्मी लेकर घूमते हैं या लक्ष्मी विराजमान रहती है हमारे माथे पर। तो अब इस तरह की औरत नॉर्मल तो हो नहीं सकती, तो आधी ब्रीफिंग वो दो डायलॉग में ही मिल जाती है, एक तो नाम में और फिर ये डायलॉग। हाँ, अच्छा, आगे और किस तरह के रंग आपके देखने को मिलेंगे सीरियल में? बहुत सारे, मैं तो उम्मीद कर रही हूँ, जैसा मैंने सबको बताया कि हो सकता है दे कुड बी हार्ड कोर एक्शन ऑल्सो, ये सारे मुस्टंडे हैं तो उनका सही तरीके से उपयोग किया जाएगा। ये मार खाएंगे, मार देंगे, और मैं मार नहीं खाऊंगी, मैं से मारूंगी। चलिए, हमारी शुभकामनाओं के साथ हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।